फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग। प्रिपरेशन शुरू कर दी होगी, मोस्ट प्रॉब्ली आप लोगों ने अभी तक पूरी पूरी तैयारी करनी शुरू कर दी है और टाइम है क्रैक करने का सीटेट को, वो भी फर्स्ट टाइम में। तो हम बात करने लगे हैं आज की वीडियो में हाउ टू क्रैक द सीटेट एग्जाम एट द फर्स्ट अटेम्प्ट। आपने अगर सर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना है तो उसके लिए प्रिपरेशन चाहिए, बैकग्राउंड सॉलिड चाहिए, हमें पता होना चाहिए क्या कोर्स है, कोर्स कंटेंट कैसे लेके चलेंगे एंड व्हाट आर द बेसिक स्ट्रेटजी दैट वी नीड टू फॉलो। अब यहाँ पे आज की क्लास में हम सिर्फ उस स्ट्रेटजी की ही बात करने वाले हैं। वी गोइंग टू टॉक अबाउट दैट पर्टिकुलर स्ट्रेटजी कि किस स्ट्रेटजी को फॉलो करने से हम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सीटेट क्रैक को क्रैक करते हैं। खाली क्रैक नहीं करते विद द गुड मार्क्स, खाली क्लियर नहीं करना, नॉट अबाउट द जस्ट टू क्लियर द सीटेट एग्जाम। सर एग्जाम को क्रैक करना है तो कुछ चीजें बेसिक्स हैं, तो ये बेसिक्स हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे और ये चीज जानेंगे कि हमें क्या क्या करना है। इससे पहले हम आगे बढ़े, जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है वो लगातार इसको शेयर करते रहें ताकि बाकी लोग देख पाएं, और जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एज यू आर गोइंग टू गेट लॉट्स ऑफ वीडियोस दोस हेल्प यू टू क्रैक द पेपर विद गुड मार्क्स। शुरू करते हैं क्लास को बिना टाइम खराब किए। सबसे पहले हमारी जो चीज जरूरी है दैट इज अ प्रॉपर स्टडी प्लान, रियली मेक आर स्टडी प्लान। आज 20th है, 22nd को फॉर्म भरेंगे आप, सेप्टेम्बर में आपके एग्जाम्स हैं, तो पहले एक प्रॉपर स्टडी प्लान बना लो। Those who are going without a study plan, sorry, success उनको मुश्किल से ही मिलती है। तो प्लीज एक स्टडी प्लान बनाना, चाहे वो एक घंटा डेली हो, आपका स्टडी प्लान होना चाहिए, आपके पास पूरा फॉर्मेट देना चाहिए कि मुझे कितना टाइम स्टडीज को देना है, कितना टाइम मैंने किस पेपर को देना है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टाइम वन और टाइम टू, इट्स ऑल अबाउट टू यू कि आप कैसे प्रिपेयर करते हैं, लेकिन प्रिपेयर करने के लिए एक प्लान होना जरूरी है। देयर इज अ रियली अ ग्रेट नीड टू हैव अ प्लान। एक प्लान जब हमारे पास होता है तो हम उसको वर्कआउट कर पाते हैं और इजीली चीजों को समझ पाते हैं। टू एडजस्ट योरसेल्फ अकॉर्डिंग टू योर प्लान। अब नंबर टू जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है अंडरस्टैंड एग्जाम पैटर्न। एग्जाम का पैटर्न समझो, गो फॉर ईच एंड एवरी मोमेंट। आप लास्ट से पेपर लेंगे, प्रीवियस से पेपर चेक करेंगे, ऑलरेडी नेट पे अवेलेबल है, गूगल को सब कुछ मिलता है, सब कुछ वहां पे आपने जाके सारा पैटर्न चेक करना कि पैटर्न ऑफ एग्जाम क्या है, कैसा आता है पेपर। उसके लिए आपको मेरी वीडियोस या किसी और की वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ एग्जाम पैटर्न पे जाएंगे, एग्जाम देखेंगे कि लास्ट के एग्जाम कैसे आ रहे हैं एंड हाउ इट ऑल गोज ऑन। एंड देन मोस्ट मोर थिंग फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, जो मैं मानता हूं कि ये जरूरी नहीं, बहुत जरूरी है कि आप कोई एक पेपर, प्रैक्टिस पेपर मार्केट से लेंगे, बहुत सारे आते हैं, द लॉट्स ऑफ पेपर्स अवेलेबल इन मार्केट फॉर द सीटेट एग्जामिनेशंस। आपने कोई एक सैंपल पेपर लेना है और उसको करना शुरू करना है ऑन अ डेली बेसिस। सर अभी तो प्रिपरेशन ही नहीं की, तो आई एम नॉट सेइंग दैट विदाउट प्रिपरेशन करो। जब आपको लगने लगे कि अब मैं अटेम्प्ट कर सकता हूं तब से आप शुरू कर दीजिए डेली अटेम्प्ट करना। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टाइम मैनेजमेंट, रिमेंबर इट्स अ ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर। और उसका पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, वी डोंट हैव एनी नेगेटिव मार्किंग। तो प्लीज अभी से पैटर्न शुरू करो, अपना टाइम मैनेजमेंट पे सबसे ज्यादा स्ट्रेस देना, यू नीड टू गिव मैक्सिमम स्ट्रेस ओवर टाइम मैनेजमेंट। टाइम कैसे वर्कआउट करना है, आप पेपर कर रहे हैं, पेपर का तो आपको ध्यान रखना है कि हमें कौन कौन सी चीज का हल करना है, दीज आर द बेसिक थिंग्स दैट वी नीड टू वर्कआउट। यहीं पे आपकी स्पीड मैटर करती, आपने टाइम देख लेना कि मुझे एक घंटे में 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, नहीं यार मुझे एक घंटे में 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, तो स्पीड यहां से मैटर होगी। लास्ट डेज पे स्पीड नहीं बनती, अगर आप बोलो सीधा मैं एग्जाम में जाके स्पीड बना लूंगा, सॉरी इट्स नॉट पॉसिबल, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम फ्रॉम द वेरी फर्स्ट टाइम। मैंने एग्जाम दिए थे वेरी फर्स्ट टाइम, मैंने एग्जाम दिए थे सीटेट के, मैंने बिना किसी प्रिपरेशन के दिए थे। अच्छा होपफुली या काउंट बाय लक आई स्कोर्ड 118, लेकिन व्हाट द रीजन, वो आया लेकिन मुझे लगा कि नहीं मैं इसमें पूरे नंबर ले सकता था, तो मुझे प्लान करना चाहिए, आई नीड टू प्लान एवरीथिंग, आई नीड टू प्लान। वो प्लान हमें करना चाहिए, फिर मैंने ऑब्जर्व किया कि यार ये चीजें हैं जिनको अगर ध्यान दिया जाए तो वी कैन गो, वही मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। तो फर्स्ट मैंने आपको बोला पहले आपको पूरा का पूरा प्लान करना है, स्टडी को प्लान कीजिए। सेकेंड समझो एग्जाम पैटर्न क्या है, टाइम मैनेजमेंट विद द हेल्प ऑफ द सैम्पल पेपर्स आप कैसे करते हैं, और उसमें ध्यान रखना है कि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, सो वी हैव अ एम्पल स्कोप एंड देन इट विल हेल्प यू टू चेक आउट योर स्पीड। आपकी स्पीड को बहुत ज्यादा बेनिफिट देगा टाइम टू मूव ऑन अदर, इट इज डिवाइड द एंटायर कोर्स।
कोर्स को पार्ट दो, आपने बोला सर कोर्स में इंग्लिश है हिंदी है, वी डू हैव सर हमारे पास सोशल है, या दैट्स टू सर साइकोलॉजी है जिसमें चाइल्ड साइकोलॉजी डेवलपमेंट कहते हैं, तो चार टॉपिक हो गए, इन चारों को डिवाइड करो यार, डिवाइड करो इन चार टॉपिक्स को, आप अलग अलग बांटो, इन चारों को भी सब डिवाइड कर सकते हो आप आगे, जैसे आपको लगता है कि मेरे को स्टेप बाय स्टेप चलना है, तो आई नीड टू वर्क इट आउट, दैट ऑल इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है जिसको हम बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, एंड देन स्टार्ट वर्किंग और प्रिपेयरिंग वन बाय वन फॉर पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे जब हम प्रिपेयर करना शुरू करते हैं वन बाय वन वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स, तो हमें क्या ध्यान रखना है, हमें सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट जो हमारा है उसको सबसे लास्ट नहीं सबसे पहले ही करना है। यूजली क्या होता है, हम लोग अपने सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को लास्ट मार देते हैं, यार ये तो मुझे आता है मैं बाद में कर लूंगा, सर वो आपका स्ट्रांग था, जब तक एग्जाम का टाइम आएगा तब तक वो स्ट्रांग नहीं रहेगा, तो प्लीज डोंट मेक योर स्ट्रेंथ योर वीकनेस, अपनी स्ट्रेंथ को स्ट्रेंथ ही रहने दो, पहले सबसे पहले उसको कंप्लीट करो और डेली उसे एक टाइम पीरियड दो 15 मिनट से आधा घंटा कि डेली वो उस पर देना आपने, एंड देन स्टार्ट वर्किंग ऑन योर डेविएशंस योर लिमिटेशंस, अपनी लिमिटेशन पे काम करना शुरू कर दो कि यार ये चीजें मुझे नहीं आती, अच्छा इन चीजों को मैं कैसे अच्छे करूंगा, किस तरह परफेक्ट वे में करूंगा, दैट आई रियली अप्रिशिएट इन यू, अगर आप ऐसा करते हैं यू विल गेट मैक्सिमम मैक्सिमम एज कंपेयर टू रिजल्ट्स और एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, तो ये जरूरी है यहां पे जाना। देन वी नीड टू वर्क आउट द सर्टन फेजेस दैट हाउ कैन वी रूल आउट आवरसेल्फ, जब आपने पेपर करने शुरू किए तो उन पेपर्स को करने के बाद छोड़ना नहीं है, उनको सेल्फ असेस करना है आपने, सो व्हाट इज मीन बाय सेल्फ असेस, आपको खुद चेक करना उन चीजों को, उन पेपर्स को लो, सॉल्यूशन पीछे दिए होते हैं उनको चेक करो, जब आपने चेक किया आपने देखा यार ये गलतियां थी मेरी, इन गलतियों को साइड रखो, उन पे स्ट्रेस दो कि यार ये गलतियां क्यों हुई, आई हैव टू वर्क ऑन दीज, ये जरूरी था, अगर आप डेफिनेटली इस क्रैक करना चाहते हो फर्स्ट टाइम में, वो भी ऐसे मार्क्स के साथ कि कोई भी आपको अप्रोच करे, तो आपको खुद को चेक करना होगा। ऑन अ सीरियस नोट यू आर गोइंग टू वर्क आउट लीस्ट टू लीस्ट 30 to 50 पेपर्स बिफोर द फाइनल एग्जाम, 30 से 50 पेपर कर लेते हो, उनको चेक करते हो, अपनी गलती को पकड़ते हो, उस गलती के ऊपर फिर काम करते हो और दोबारा उस चीज को करते हो, इट विल हेल्प यू। और अगर आप ध्यान से देखो तो क्वेश्चन वही होते हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, स्पेशली साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड डेवलपमेंट, वहां पे हमारे लिए मैटर करता है कि हम कैसे हाईलाइट करते हैं, कैसे बताते हैं चीजों को, कैसे समझते हैं, पैटर्न समझ आना चाहिए, द बेसिक थिंग इज द पैटर्न, व्हेन यू नो द पैटर्न यू नो हाउ टू वर्क इट आउट, दैट ऑल इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड देन देयर इज वन थिंग एंड दैट वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट, प्लीज डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट, फ्रेंकली सेड व्हाइल आई वाज रियली गोइंग टू प्रिटेंड द पेपर फर्स्ट टाइम, तो मैं भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं था, मैं भी पढ़ के गया था, इट्स नॉट दैट कि मैं नहीं कर पाऊंगा या मेरे से नहीं होगा, बट मैं चाहता था कि मैं उसको पढ़ूं, तो मैं सीखना चाहता था, स्पिरिट ऑफ लर्निंग, डेवलप द स्पिरिट ऑफ लर्निंग, इफ यू डू थिंक दैट कि यार मेरे को सब कुछ आता है, मैंने सब कुछ किया हुआ है, प्लीज कम डाउन ऑन फ्लोर मैन, हियर इज अ न्यू टर्म, यू आर अटेम्प्टिंग द फर्स्ट टाइम, सो प्लीज वर्क अकॉर्डिंग टू इट, Don't be overconfident. Overconfidence always make you lose the basic points that you always having. ये नहीं करना आपने. And then, don't leave any topics. This is the last point that I really want to say. Don't leave any topic. Give them appropriate time. Sometime मैंने कहा कि मैं confident था कुछ topics को लेके, such as English की बात करता हूँ. English मेरे को बहुत अच्छी आती है. मेरे को लगा English तो बहुत easy है. Comprehension तो करने ही नहीं आ रही है, तो मुझे आते हैं. वहां पे कॉम्प्रिहेंशन आएगा जो पोएट्री की फॉर्म में होगा और आपको समय नहीं आएगा, उस वक्त आप क्या करोगे, यार फ्री के नंबर थे छूट गए, इस पे टाइम दिया होता, डोंट मेक दैट थिंग्स दैट यू गोइंग टू रिग्रेट आफ्टरवर्ड्स, ऐसा काम नहीं करना आपने कि बाद में जाके आपको लगे यार ये तो मुझे करना चाहिए था, आई रियली नीड टू डू दिस बट मैंने नहीं किया, ये कुछ स्टेप्स हैं जो मैंने आपको बोले, जो आप फॉलो करते हैं तो फर्स्ट स्टेप में ही सीटेट को क्रैक करते हैं, वेयर एज आई टोल्ड यू इन माय लास्ट वीडियोस दैट आई एम गोइंग टू अपलोड लॉट्स ऑफ वीडियोस फॉर द सीटेट प्रिपरेशन, अब टाइम आ चुका है यू आर गोइंग टू गेट योर वीडियोस फॉर सीटेट प्रिपरेशन, बी एड स्टूडेंट दोज आर गिविंग द पेपर ऑफ फर्स्ट ईयर आर एबल टू अप्लाई फॉर सीटेट,
अभी आपका टाइम है, आप बीएड के पेपर से फ्री हो जाएंगे विद इन वीक और टू मैक्स टू मैक्स, फॉर्म्स भरेंगे आप, फॉर्म्स भरने के बाद शुरू कर दो तैयारी सीटेट के लिए, और पहले अटेम्प्ट में क्लियर करना है। आई जस्ट प्रॉमिस यू दैट इफ यू फॉलो माई इंस्ट्रक्शन यू आर गोइंग टू क्रैक एट द वेरी फर्स्ट टाइम। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो साथ, तब तक सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें वीडियो को मैक्सिमम लोगों के साथ इफ यू थिंक इट्स वर्थ टू शेयर। हमें इस वीडियो को शेयर करना चाहिए ताकि बाकी भी देखें और ये चीजें फॉलो करें। बाय गाइस, मिलते हैं ब्रेक के बाद।